नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं प्रीति। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का दूसरा दौर संपन्न हो चुका है। इसके साथ ही 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। दोनों ही चरणों में वोटरों ने जमकर मतदान किया और पहले दौर की तरह दूसरे दौर में भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ। राजनीतिक दल इस बंपर मतदान पर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तो वहीं जीत हार के दावे भी अभी से होने लगे हैं। इन सबके बीच तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार की कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज बिहार में 2 रैलियां करने वाली हैं, तो वहीं एनडीए के लिए कई दिग्गज प्रचार के मैदान में उतरेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे आचार संहिता उल्लंघन के बढ़ते मामले पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ बुनियादी मुद्दों पर भी होगी बात। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव में चौथे दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन। पांचवें चरण के नामांकन पत्रों की जांच। दूसरे दौर में 55% से ज्यादा मतदान। पोस्टर मामले में पटना एयरपोर्ट निदेशक के खिलाफ FIR। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। बिहार के सियासी रण में आज सोनिया गांधी भरेंगी हुंकार। सारण और बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष की 2 रैलियां। विधानसभा चुनाव की बात करें, बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। बिहार के चुनावी रण में चौथे दौर में 7 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें चौथे चरण में शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8-8 सीटें, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। विधानसभा चुनाव के इस दौर के लिए 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला चला। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। इस दौर के लिए उम्मीदवार आज 17 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे, यानी आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। इस दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चौथे चरण की सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 17 अक्टूबर यानी आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा और 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। बिहार में कल दूसरे दौर की 32 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तेज गर्मी के बावजूद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। दूसरे दौर के लिए कुल 55% वोट डाले गए, जिसमें कैमूर जिले में सबसे ज्यादा तकरीबन 58% मतदान हुआ। देखिए हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बिहार में दूसरे दौर के मतदान की। इस दौर में 32 सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। तेज धूप और तपती गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की खासी तादाद पहुंची। दूसरे दौर में कुल 86,13,832 मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार था। लोगों ने अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल किया। कुल प्रतिशत देखें तो इस फेज के लिए ये लगभग 55% रहा, जो पिछली बार 52.03% था। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिलों कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया की 32 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में जिन 32 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा गया में 10, रोहतास में 7, औरंगाबाद में 6, कैमूर में 4,
जहानाबाद में 3 और अरवल में 2 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। महिला उम्मीदवारों के लिहाज से इस दौर में भी आंकड़े सुखद नहीं हैं। महज 8 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 1 से ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग के दौरान लोगों में खासा उत्साह दिखा। लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाना भी नहीं भूले। सही लोगों को वोट दिया जाए, जो हमारा सही सदस्य है। हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार मिटे यहाँ का। विकास होने का मतलब देश का विकास, मतलब हमारा विकास। ऑटोमेटिक हमारा विकास होगा जब देश का विकास होगा। तो एक ही मुद्दा बस हमारा है, विकास होना। जो विकास नहीं किया है उसी के विरोध में हम लोग वोट देंगे। दूसरे दौर में 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या महज 32 है। सबसे ज्यादा बीएसपी के 32, बीजेपी के 16, जेडीयू के 13, आरजेडी के 13, सीपीआई के 13, कांग्रेस के 6, आरएलएसपी के 6, एलजेपी के 3 और सीपीएम के 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों के 200 और 146 निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र सासाराम है, जबकि सबसे छोटा मखदूमपुर। छोटा होने के बावजूद मखदूमपुर काफी अहम है, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने इमामगंज के महकार में अपना वोट डाला। उन्होंने वोट डालने के बाद जीत का दावा किया। जीतन राम मांझी गया के इमामगंज और जहानाबाद के मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, फर्स्ट फेज में भी, सेकंड फेज में भी। और हम तो कहते हैं कि भाजपा जो 160 सीट से 158 सीट से लड़ रही है, कंफर्टेबल मेजोरिटी के आसपास वही आ जाएगी। बाकी एनडीए के जो हम लोग हैं, जीत के जाएंगे, उनको उनके नंबर में और मल्टीप्लाई कर करके उनको 2/3 मेजोरिटी की ओर भी ले जाएंगे हम लोग। और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दूसरे दौर में खास सुविधाएं मुहैया कराई गई। प्रशासन ने कुछ ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए जहां पर कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सिर्फ महिलाएं थी। यहां तक कि प्रशासन के आग्रह पर राजनीतिक पार्टियों ने पोलिंग एजेंट के तौर पर भी महिलाओं को ही तैनात किया। गया में ऐसे मतदान केंद्र फिलहाल बिहार में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। मतदान केंद्र की 2 तस्वीरें, नई पहल नई सोच। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। चुनाव आयोग की इस नई पहल को मॉडल पोलिंग बूथ का नाम दिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की थीम पर मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हमने गया टाउन में 7 पोलिंग स्टेशन जो कम्प्लीटली मैन्ड बाय वुमेन रहेंगे। बिहार के चुनाव में इस तरह का प्रयोग पहली बार किया गया है। महिला मतदाताओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के पोलिंग बूथ में व्यवस्था की गई है। मसलन, अगर किसी महिला का बच्चा उसके साथ आना चाहता है तो बच्चे की देखरेख के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके खेलने के लिए झूले और गुब्बारे भी लगाए गए हैं। महिलाएं भी आएंगी साथ में, बच्चे भी आएंगे, तो जब तक इधर महिलाएं वोट की पंक्ति में खड़ी हैं या यहाँ तो बैठने की भी व्यवस्था है, तो बैठेंगी, तो बच्चे तब तक खेलेंगे ताकि उबे नहीं, बच्चे भी उबे नहीं, महिलाएं भी निश्चिंत होकर के यहाँ वोट कर सकती हैं। चुनाव आयोग की इस कवायद में राजनीतिक दलों ने भी साथ दिया है। इन बूथों पर पोलिंग एजेंट भी महिलाएं ही हैं। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस बार 7 ऐसे बूथों का चयन किया गया है जिसमें सिर्फ महिलाएं होंगी। तो महिलाओं में क्षमताएं तो थी पहले से ही, लेकिन वो दबी रह जाती थी, तो उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए और उन्हें सदुपयोग कर पाएं, महिलाएं आगे बढ़ पाएं, तो इसके लिए इस तरह का कार्य शुरू किया गया है। चुनाव आयोग ने हर चरण के लिए कई जिलों में ऐसे आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं जहाँ वोटरों को सुविधा मुहैया कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस तरह की तमाम दिलचस्प तस्वीरें दिन भर आती रहीं और
उत्साह बढ़ाती रही है ये मतदाताओं का भी। गया से हमारे साथ प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। प्रणव, पिछली बार से ज़्यादा मतदान हुआ, इस बार भी हमने देखा पहले दौर की तरह महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है पुरुषों के मुकाबले, तमाम और भी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं। अब अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल इसके क्या मायने निकाल रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं? जी देखिए, राजनीतिक दलों को जरूर इस बात का अंदाजा होगा कि जिस तरह से जो पूरा चुनाव प्रचार था वो जातीय गोलबंदी की तरफ और व्यक्तिगत जो टिप्पणियां है एक दूसरे के ऊपर, उस पर पूरा फोकस रहा था अब तक का जो प्रचार है। लेकिन जो हमने वोटर से बात की, खास तौर पर जो युवा और महिला वोटर्स हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है इस पूरे चुनाव में, वो है विकास। तो ये एक बदलाव की जो एक बयार है वो बहती हुई दिखाई दी, और जिस तरह से महिलाओं और युवाओं में एक उत्साह था अपने वोट का इस्तेमाल करने का, वो ये संकेत दे रहा था कि भले ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसका आकलन करते रहे चुनाव नतीजों का, लेकिन युवाओं और महिलाओं के लिए उनकी जरूरतें, उनका विकास सबसे अहमियत रखता है, और इन इन इस आबादी को, जो महिला आबादी है, युवा आबादी है, इसको इस बात से कोई भी सरोकार दिखाई नहीं दिया, जहां तक हमने जितने भी वोटर से बात की कि कौन कुर्मी है, कौन कुशवाहा है, कौन भूमियार है, कौन यादव और मुस्लिम है, लेकिन उन्हें इस बात की जरूर एक तरह से उन्होंने इस बात का संकेत दिया साफ तौर पर कि जो विकास करेगा वो उन्हीं की तरफ होंगे, और ये एक ऐसा संकेत है जो कि शायद राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए। जहां तक दूसरे चरण के मतदान की बात है, जब ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है तो एक राहत की सांस जरूर ली है चुनाव आयोग ने, कि क्योंकि पहले ये दो चरण सबसे महत्वपूर्ण थे, सुरक्षा की दृष्टि से भी और इस दृष्टि से भी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, और चुनाव आयोग की मेहनत रंग लाई, इसी वजह से वोटिंग अच्छी हुई, भले ही और ज्यादा की उम्मीद थी लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए ये परसेंटेज भी कम नहीं है। फिलहाल प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2010 विधानसभा चुनाव में करीब 52% वोटिंग हुई थी, इस बार इन इलाकों में 55% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई है, 3% ज्यादा मतदान है, लेकिन इलाके की चुनौतियों को देखते हुए फिलहाल राहत है कि पहले से ज्यादा लोग बाहर निकले, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और अगर आगे के दौर की बात करें तो अब हलचले और तेज हो गई हैं बिहार के सियासी रण में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस और महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगती नजर आएंगी, आज उनकी 2 रैलियों के कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष दोपहर 12:30 बजे सारण में पहली रैली को संबोधित करेंगी, इसके बाद दोपहर 3:00 बजे उनकी बक्सर में जनसभा होगी। सारण और बक्सर जिलों में तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तीसरे दौर में अगर सीटों की बात करें तो 50 सीटों पर मतदान होगा। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए प्रचार की व्यापक रणनीति बनाई है, जिसके तहत आने वाले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कई जनसभाओं और रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित है। तीसरे मोर्चे से एनसीपी के हटने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने एनसीपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उधर एनसीपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के बयान के बाद पार्टी ने गठबंधन से हटने का फैसला लिया है। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बिहार में बीजेपी की लहर है। लोकतंत्र में खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फूल खिलते हैं, आवाज की गहराई और गजल से लगाओ। मेरे ख्याल से सफर जारी है, मंजिल अभी दूर है, नजर आ रही है मुझे मगर दूर है काफी। चार दिन दर्दमंद दिल और सुरों में डूबी एक शख्सियत के लिए। अब मैं दिक्कतों की तरफ ज्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने म्यूजिक में बहुत डूबा हुआ हूँ। अपने सुरों से दोस्ती मैंने ऐसी कर रखी है कि वो मेरा साथ दे देते हैं इंस्टेंटली। मिलिए शख्सियत में गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारे तौसीफ अख्तर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दूसरे दौर के बाद अब तीसरे दौर का चुनाव प्रचार चरम पर है। एनडीए की तरफ से कई नेताओं ने शुक्रवार को तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार किया, जिनमें कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बिहार के भी कई नेता शामिल थे। सभी ने एक सुर में विकास के नाम पर वोट मांगते हुए
महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। तीसरे दौर के लिए अब प्रचार जोरों पर है। शुक्रवार को एनडीए के कई नेता तीसरे दौर के लिए अलग अलग जिलों में जनता से मुखातिब हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शाहनवाज हुसैन के साथ सारण के छपरा में नजर आए। बिहार चुनाव को परिवर्तन की आधारशिला बताते हुए राजनाथ सिंह ने विकास के नाम पर जनता से वोट की मांग की, जबकि अपने विरोधियों पर निशाना साधा। जनता के प्रति दिल में जो हमदर्दी होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, इन लोगों के दिल में जनता के प्रति वह हमदर्दी नहीं। बिहार में वह परिवर्तन इस बार दिखाई देना चाहिए, तभी जाकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना साकार हो पाए। वहीं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बक्सर में जनता से मुखातिब हुई। उन्होंने जनता से सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार के वादे किए और बक्सर के विकास के लिए जनता से बीजेपी को वोट देने की गुजारिश की। अच्छी शिक्षा दे सके, घर की बहनों को सुरक्षा दे सके, रोजगार के नए साधन चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक ऐसी सरकारी स्कूल में जाएं जहां व्यवस्था का कोई अभाव ना हो, तो 28 तारीख को घर के बाहर आएं, कमल का बटन दबाएं। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भोजपुर में जनसभा की। वहीं आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के साथ मिलकर नालंदा में रैली को संबोधित किया। 28 अक्टूबर को तीसरे दौर के लिए 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए के नेता जहां तीसरे दौर के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के भी प्रचार अभियान ने अब जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल तीसरे दौर के लिए 6 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इधर दूसरे दौर का चुनाव संपन्न हुआ तो उधर तीसरे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 6 रैलियों को संबोधित करते हुए विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे, जबकि बीजेपी शासित गुजरात की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। भाजपा के रूप गुजरात के विकास की, गुजरात मॉडल की दुहाई हर पल हर क्षण देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य में कानून और व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो कि जहां का चुनाव राज्य सरकार ऑर्डिनेंस जारी करके टाल दे, दूसरे राज्य में उसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी 12 साल तक। प्रधानमंत्री के जंगल राज के आरोपों का पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कई राज्यों के अपराध के आंकड़े जनता से साझा किए। हमको वो कहते हैं जंगल राज, तो अगर हम जंगल राज 174 पर है तो 767 वाला दिल्ली क्या है, मध्य प्रदेश 358 वाला क्या है, हरियाणा 298 वाला क्या है। नीतीश कुमार ने सारण के सोनेपुर, वैशाली के लालगंज, महुआ, महनार और राघोपुर में कई जनसभाएं की। 28 अक्टूबर को 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में कल एक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। जिस वक्त वो रैली को संबोधित करने के लिए मंच पर बैठे थे, उस वक्त पंखा नीचे गिर पड़ा। पंखे का एक पर लालू के हाथ से भी टकराया। हालांकि खुशकिस्मती ये रही कि आरजेडी अध्यक्ष बाल बाल बच गए। बाद में रैली को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने जनता से महागठबंधन को वोट देने की अपील की। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्वी चंपारण की इस घटना के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फोन करके उनका हालचाल भी पूछा। आगे बढ़ते हैं। चुनाव किसी भी राज्य में हो, उसका रंग दिल्ली जैसे महानगरों में भी खूब दिखता है। एक तरफ पार्टियों के दिग्गज बिहार में डेरा डाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे प्रवासी बिहारियों को लुभाने के लिए भी खासी मशक्कत हो रही है। दिल्ली से बिहार आने जाने वाले बिहार के बाशिंदों को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियों ने खास जगह और रणनीति को चुना है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है रवि और उनके दोस्त। पेशे से इंजीनियर ये लोग इन दिनों बीजेपी के प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका जिम्मा है दिल्ली के अलग अलग रेलवे स्टेशन। ये लोग रोज इसी तरह स्टेशन के बाहर बिहार जाने वाले लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं।
हम लोग चाहते हैं कि इस बार बिहार का विकास हो ताकि देश का भी विकास हो, बिहार भी अपना अदम्य साहस दिखा सके। हाँ भाई, हम भी भारत के साथ कदम के कदम मिला के चलने लायक हैं, हम भी चलेंगे। नीतीश कुमार जी थे हमारे बिहार का डेवलपमेंट करने वाले, लेकिन वो भी जाकर लालू जी के साथ मिल गए जो कि हमेशा लालू जी का बुराई करते थे। तो लालू जी जहाँ जाते फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात, अरे भैया कब तक फॉरवर्ड बैकवर्ड, पिछड़ा पिछड़ा के बीच में हमारा बिहार अटका रहेगा, जात पात में अटका रहेगा। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जिस प्रदेश में इतना मेहनती, इतना मतलब काम के प्रति डिवोटी इस तरह का होते हुए उस बिहार का आज ये हाल हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के कुल मतदाताओं की 10% तादाद पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में रहती है। इन प्रवासियों को लुभाने के लिए हर पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। महागठबंधन के नेता भी दिल्ली में प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के बाहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात के शहरों में भी हमने बहुत ही एक इस तरह का कैंपेन भी चलाने की चेष्टा की जहां लोगों तक संवाद जाए। इस बार के चुनाव का पूरा कमान जो महागठबंधन हम लोगों का है, राजद, जदयू, कांग्रेस का, उसकी कमान आवाम ने ले ली है, तो एक पूरा का पूरा लोग टिकट कटा के जा रहे हैं। सीधे संपर्क के अलावा पार्टियां सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए भी प्रवासियों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं। त्योहारों के मौसम में चुनाव होने के चलते ज्यादा से ज्यादा प्रवासियों के बिहार पहुंचने की उम्मीद है, जिसका फायदा हर पार्टी उठाने की कोशिश में है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी का मानना है कि बिहार में उनकी स्थिति मजबूत है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में नीतीश कुमार और लालू यादव पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया, लेकिन दोनों की स्थिति मौजूदा चुनाव में खराब है। जिस बीजेपी ने 2010 में गठबंधन के साथ जो चुनाव जीता था, इस बार भी आपका गठबंधन है, लेकिन नेता और पार्टियां बदल गई हैं। इस बार कहां देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, एनडीए ज्यों का त्यों है, नीतीश उससे बाहर गए, लेकिन एनडीए का वोट बैंक बाहर नहीं गया है, बल्कि उसका जुड़ा भी है। और दूसरा, जो मेरे सामने लालू यादव थे, उनकी स्थिति क्या थी विधानसभा में भी आपने देखा, और लोकसभा में भी, चुनाव में भी लालू यादव की स्थिति आपने देखी है। तो हमारे सामने लालू यादव हैं जो काफ़ी अंतर है उनके हमारे बीच में। जदयू का कुछ कोई खास अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता है। राधामोहन जी, जो पिछले बार 2010 का विधानसभा चुनाव था, उसमें हमने देखा था कि जो नीतीश कुमार की पार्टी थी वो ज्यादा सीटें भी जीती थी और ज्यादा सीटों पर लड़ी भी थी। तो इस बार आप ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। जितना दिन नीतीश कुमार के साथ रहे, ताकत हमारी नेता, जैसे नारा लगता है ना, वोट हमारा राज तुम्हारा, वो स्थिति थी। और जब अलग हुए तो लोकसभा चुनाव में उनको पता चल गया लालू यादव जी के पास जरूर ताकत थी, और उसका प्रकटीकरण पिछले लोकसभा में भी हुआ था, विधानसभा में, और इस बार भी जदयू का जहां एक जीता तो उनके ज्यादा जीते हैं। इस विधानसभा चुनाव में आपके लिए नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, सबसे बड़े फैक्टर लालू ही हैं? नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है बिहार की जनता के साथ, ये बिहार के लोगों ने माना, और आज और वो विश्वासघात का जो उनका समाज पर प्रभाव था वो और बढ़ा है। बीजेपी की जो बिना दूल्हे की बारात है, हमारे पास दूल्हा भी है, बाजा भी है। उनको समझना चाहिए कि बीजेपी कंपनी नहीं है, वो तो उन लोगों की कंपनी है, दो आदमी मिलकर तय कर लिया, वही मजबूरी थी, एक आदमी बनिए नहीं सकते थे तो दूसरे आदमी थे। मेरे यहाँ संगठनात्मक ढांचा है और मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड है। पोस्टर मामले में पटना एयरपोर्ट के निदेशक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। एयरपोर्ट के निदेशक पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। निदेशक राजेंद्र सिंह पर एयरपोर्ट परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी पोस्टर लगाने का आरोप लगाया गया है। पटना एयरपोर्ट और आसपास लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स को महागठबंधन की शिकायत के बाद हटा दिया गया था। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव में चौथे दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन। पांचवें चरण के नामांकन पत्रों की जांच, दूसरे दौर में 55% से ज्यादा मतदान। पोस्टर मामले में पटना एयरपोर्ट निदेशक के खिलाफ FIR, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। बिहार के सियासी रण में आज सोनिया गांधी भरेंगी हुंकार। सारण और बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष की दो रैलियां।
तीसरे दौर के लिए प्रचार अभियान तेज, एनडीए के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाएं, महागठबंधन की भी अनेक रैलियां।